इत्यादि। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में 1 से लेकर 10 वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। नवरात्रि में 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। इसके पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। इसके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। नवरात्रि में 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। इसके पूजन से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नवरात्रि में 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं। इसके पूजन से धन आयु बल की वृद्धि होती है। नवरात्रि में 8 वर्ष की कन्या को संभावी कहते हैं। इसके पूजन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। नवरात्रि में 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। इसके पूजन से संपन्नता ऐश्वर्य मिलता है। नवरात्रि में 1 वर्ष की कन्या को महागौरी कहते हैं। इसके पूजन से समस्त दुखों का नाश होता है। जय माता दी। दोस्तों,